अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, हाउ आर यू मेरे बच्चों, आप सब कैसे हैं? ये कहना ठीक होंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़े हैं कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर का, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू। चैप्टर नंबर वन आपने कर लिया, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली, रीडिंग आपने खुद करनी है। इसी तरह आपने ये करना है कि चैप्टर नंबर टू की भी आप रीडिंग खुद करेंगे, अंडरस्टैंड खुद करेंगे और एक्सरसाइज आपको हम करवाएंगे। ओके बच्चे, तो आइएगा ओपन करें पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे आपकी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है, बाकियों को आप रॉन्ग कर देंगे। कंप्यूटर इज स्लो, नहीं, आपने रीडिंग पे पढ़ा कि ये फास्ट होता है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है, तो ठीक है। कंप्यूटर इज़ द एक्यूरेट, यस, कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है आपको। इट हेल्प अस टू यूज़ इंटरनेट, येस। इट हैज़ अ लार्ज मेमरी, येस। इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स, येस। इट मेक एरर, येस। ये एरर जो है वो कभी कभी शो कर सकता है कि रिजल्ट किसी के ना मिले, तो ये फिर उसको एरर कर देता है। इट गेट्स एंग्री, ये गुस्सा करता है, नो, बिल्कुल नहीं। इट सेव्स आवर टाइम, येस। नाउ कम टू द पेज नंबर 15, पार्ट बी है इसका। लुक एट द पिक्चर एंड राइट अ फ्यू वर्ड फॉर ईच पिक्चर। आपने इस पिक्चर्स को देखना है और उनका कुछ ना कुछ उनके बारे में लिखना है। ये देखिएगा, इससे आपको इंटरनेट का अंदाज़ा होता है। यहाँ देखिएगा, यहाँ इंटरनेट के बारे में लिखा हुआ है, तो ये हो गया इंटरनेट। ये देखिएगा, ये इसने एग्जैक्ट आंसर दिया है, तो ये हो गया एक्यूरेट। कंप्यूटर, इसका मतलब है कि फास्ट, ठीक है, तो ये फास्ट है। ये देखिएगा स्टोर डाटा, ऑफ कोर्स इस पे स्टोर डाटा लिख सकते हैं, तो ये क्या है, सेव आर टाइम, ये सॉरी सेव आर टाइम, और ये है स्टोर डाटा। ओके, पार्ट सी देखें, लुक एट द पिक्चर एंड कलर द पिक्चर शोइंग राइट एक्शन ऑफ द यूजिंग कंप्यूटर। इसमें कौन सा अच्छा एक्शन है, आपने उसको कलर करना है। ऐसे लेट के कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहिए, नो, ये जो है वो एक्यूरेट तरीका, अच्छा तरीका है। तो इस नाइस तरीके से बैठ के आपने कंप्यूटर को यूज़ करना है और फिर इसको आपने कलर कर देना है। से येस और नो, आपने पार्ट डी में येस और नो में आंसर देना है। कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, येस। कंप्यूटर इज़ स्लो, नो। कंप्यूटर हेल्प्स अस टू वर्क बेटर, येस। कंप्यूटर डज नॉट गेट हैप्पी, नो। कंप्यूटर इज़ एक्यूरेट, येस, ठीक। ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ वर्ड्स दिए हैं मशीन, इंटरनेट, टाइम, स्पीडली, टूल, स्टोर, लेटर्स, मेमोरी, इनको यूज़ करते हुए हम इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। अ कंप्यूटर कैन डैश अ लॉट ऑफ थिंग्स, मशीन्स, इंटरनेट, टाइम, स्पीडली, नो। अ कंप्यूटर कैन स्टोर, जमा कर सकता है अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो जमा रख सकता है। वी कैन राइट डैश विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, वी कैन राइट लेटर, ओके। कंप्यूटर हेल्प अस टू यूज इंटरनेट, येस। कंप्यूटर इज मशीन, कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमरी। कलर फिल इन द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, आपने कलर के साथ जो है वो इन ऑप्शन को फिल करना है जो राइट ऑप्शन होगी। वी कैन राइट डैश विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, आपने यहाँ क्या पढ़ा, वी कैन राइट लेटर, ठीक है, तो आप लेटर्स को इस बबल को फिल कर देंगे। कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पानी से चलता है या बिजली से, तो ये बिजली से चलता है। कंप्यूटर डज नॉट गेट बिजी, टायर्ड, तो कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता। कंप्यूटर इज डैश फ्री, एरर फ्री, हेल्दी, गलती से पाक है या हेल्थ इसकी जो है वो, हेल्थ का तो इसके साथ इतना कंसर्न नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जो है वो गलती कम करता है, नहीं करता, ठीक। कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी और अल्फाबेट्स, ऑफकोर्स बेटा मेमोरी, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कैन यू से दैट कंप्यूटर इज फास्ट, येस, ठीक है, येस। कैन यू से दैट कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा, ऑफकोर्स येस, ओके। कैन यू से दैट कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, येस। कैन यू से दैट कंप्यूटर हेल्प अस टू कनेक्ट टू इंटरनेट, येस, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपका चैप्टर नंबर टू पूरा हुआ, इसके साथ ही आपके कंप्यूटर का सिलेबस भी पूरा हुआ। यहीं तक आप रखेंगे और इसी में से आपका पेपर आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह।